हेलो हेलो, मैं चरणजीत सिंह। ये नेटवर्क प्रॉब्लम से तो साला मैं तंग आ चुका हूँ। एक कॉल तो कॉल नहीं लगता है, जब चाहो तब। छोटू, मुझे थोड़ा ठंडा पानी पिला यार। चाचा, ठंडा कुछ पी लो, फ्रिज में ही रखा है। अच्छा बेटा, पी लूंगा ठंडा। अरे वाह, यहाँ तो केक भी रखा है। अच्छा, दोनों मिलकर खा लेते हैं इसे। खत्म हो गया केक, किसी को नहीं मिलेगा। चाचा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कहो ना बेटा, बेझिझक कहो। मैं आपके रूम में जब आया तो मैंने वहाँ झूले को हिलते हुए देखा है। क्या बात कर रहे हो छोटे? हाँ चाचा, मैंने देखा है। चाचा चाचा, यहाँ पर के सभी राज संतोष को पता है, क्योंकि वो यहाँ पर पहले भी रह चुका है। चलो उसको ढूंढते हैं।
संतोष भाई, संतोष भाई आ गए। संतोष भाई, संतोष भाई कहाँ गए छोटे? यही मुझे नहीं पता कहाँ गए। फिर कहाँ गए? यही पर उनका कोई रिश्तेदार रहता है। रिश्तेदार है? अच्छा, उसके पास जाकर चलो चलते बात करते। चाचा चाचा, संतोष की गाड़ी यही है लगता है। संतोष आसपास ही होगा। मुझे भी यही लगता है छोटे। अच्छा वो देखो संतोष की गाड़ी, चलो उससे जाकर पूछते। चलो जाकर पूछते। माँ जी आपने संतोष को कहीं देखा है? पुलिस लगी। अच्छा पुलिस लगी उसके पीछे। चलो वो देखो संतोष भाई आया। अरे चलो नमस्ते संतोष भाई। हाँ बोलिए भाई, क्या काम है, कहाँ से आए हो आप? क्या हम अंदर आकर बैठ सकते हैं? हाँ बैठिए ना बाबू। संतोष भैया हम पांडवपुरा गांव से आए हैं आपसे मिलने। संतोष भैया मैं आपको एक घर के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप पूछिए ना भैया। राजस्थान सिरोही जिले का ये घर है, क्या आपने ये घर छोड़ दिया? तो घर तो मैंने पिछले 4 साल पहले ही छोड़ दिया। क्यों, क्या वजह थी, क्यों छोड़ा वो घर? क्योंकि मैंने वो घर इसलिए छोड़ा क्योंकि पहले वहाँ प्रेत आत्माएं रहती थी। बाप रे। संतोष भाई आपका उस घर में कभी कोई हादसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि वहाँ पर झूला हिलता है और अमावस पूर्णिमा के दिन वहाँ पर आत्मा आती। अच्छा तो कल खतरनाक आत्मा है? हर अमावस पूर्णिमा के दिन वो आत्मा आती है, वो भी आत्मा है। हमारे छोटे ने भी वो हादसा देखा है। देखा है ना छोटे? इसके अलावा आपके साथ कोई हादसा हुआ है जो आपको हर अमावस पूर्णिमा के दिन वो आत्मा वहाँ आती है और वहाँ पर रहने वालों को तकलीफ देती है? वो बहुत खतरनाक और जानलेवा है। अरे बाप रे, समझ नहीं आता क्या करें। अगर आपको उस आत्मा को देखना है तो इस अमावस पूर्णिमा के दिन वहाँ पर रहिए, आपको वो दिख जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रुको रुको भैया, रुको रुको। क्या हुआ भाई साहब? दरअसल बात यह है भैया कि आप ये काला सिला रखो। ये क्या है भैया? ये काला सिला भैया वो हवेली के सामने रख दो, वो जगह पर। अच्छा, अगर ये काला सिला तुम वहाँ रख दोगे तो उस आत्मा का आना तय है। वो आत्मा ये काला कपड़ा देखकर जरूर आएंगी क्योंकि उसे काला कपड़ा बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से जल्दी। हाँ भाई चलो निकलते हैं। रुको भैया रुको। अब रुको रुको, कोई मत छूना उसे। मासी की रात है, वो प्रेत आत्मा जरूर आएंगी। आज आपको प्रेत आत्मा दिखेंगी। मैं तो अभी इसी वक्त शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आपके लिए खुद को और मुसीबत में नहीं डाल सकता। मेरा जितना फर्ज था उतना मैंने किया। आगे का आप देखते बैठो।
चाहे आप जियो या मरो, मुझे कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। धन्यवाद भैया। ये रहा भैया आपका कपड़ा, लेकिन हम कैसे बचेंगे आप ये बता दीजिए हमें बचने के बाद। आज आप जिंदा बच गए, वो आत्मा आपका पीछा कैसे छोड़ेगी, बात आपको पम्मी आंटी बताएंगी। और वो पम्मी आंटी आसपास या झोपड़ी में रहती है। तू ही बता यार, हम कैसे बच के निकले वहाँ से। यहाँ पर एक पम्मी आंटी रहती है, अब वो उसने उस आत्मा को पाल पोस कर बड़ा किया है, अब वही बचा सकती है तुम्हें। क्या इससे कैसे बचा जाए। पम्मी आंटी पास में एक झोपड़ी में रहती है, वो तुम्हें मिल जाएंगी। छोटू, हमें पम्मी आंटी का घर लगता है यही किसी झोपड़ी में होगा, हमें उसे यही तलाश करना होगा। एक एक कोना तलाश कर लिया है, पम्मी आंटी का कहीं पता नहीं लग रहा है छोटू। हमें जल्द से जल्द पम्मी आंटी को ढूंढना होगा, लगता है वो यही कहीं पर होगी। जल्द से जल्द आखिरकार हमें पम्मी आंटी का पता चल ही गया। राजस्थान सिरोही से। नमस्ते पम्मी जी। राजस्थान सिरोही से। अच्छा, आखिरकार तुम बच ही गए। आपको कैसे पम्मी जी पता है? राजस्थान सिरोही में एक ही शहर है जो भूतिया हवेली है। हाँ, वहीं से आई हूँ। लगा ही था मुझे। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पम्मी? वो लड़की आपको मिली होगी, आपने अटैक भी किया होगा उसने। हाँ पम्मी, इस पर भी किया है, उस पर भी। हम भाग के जान बचा के आए, संतोष से पता।
चला कि मम्मी जी ने उसकी देखभाल की है, इसलिए हम वहाँ से आए। कुछ जालिम मर्दों ने इस जमाने में लड़कियों पे बहुत अत्याचार करते हैं। अच्छा। उसकी वजह से वो बहुत नफरत करती है। अच्छा। तो वो सबसे बदला लेती थी। तो उसकी मतलब क्या हुआ था उसके साथ जो वो ऐसे कर रही है? उसके बाप ने उसे मार दिया था, उनको बेटा चाहिए था और ये बेटी पैदा हो। अच्छा। तो वो मर्दों से बहुत नफरत है। तो हम कैसे बच सकते हैं उससे? आप कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें। अच्छा, तो हम आप अगर लड़कियों को बचाए, यानी उनको जो पैदा होने से पहले ही, यानी जो कोख में मारी जाती है, अगर हम समाज सेवा का काम करें तो शायद वो हमें माफ कर दें। आप ऐसा कुछ आप कर सकते हो। ठीक है मम्मी जी, दुआ कीजिए, हम चलते बहुत परेशानी में, कैसे तो भी जान बचा। अब घर से आप चले जाइए। ठीक है मम्मी, आती हूँ, धन्यवाद।